किसको कहते हैं?
इन्होंने कहा 1 करोड़ 20 लाख, हमारे पास 2 करोड़ का SMS आया बीबीसी के हवाले से। मैंने क्या दिया आपने सुन लिया, 2 करोड़। कभी घर में बैठ के सिर्फ हिसाब कीजिएगा, वाह वाह, कभी घर में बैठ के सिर्फ हिसाब करें। एक शख्स आम खर्च करे करबला की ज्यारत पर कितने खर्च करेगा, कम से कम $400 का अपना सलाम लेता है, लाख 1 लाख के करीब खर्च करता है। मैं आज बैठे वैसे ही हिसाब लगा रहा था, तकरीबन 16-17 खरब के करीब फकत इमाम हुसैन के सलाम के लिए खर्च हो रहे हैं। दुनिया इमाम हुसैन को समझ ना पाई, जब उनका एक सलाम मुल्क के बजट से ज्यादा हो, एक सलाम कहा जा रहा है, मौला को सलाम करने के लिए जा रहा है, मौला को सलाम करने के लिए जा रहा है। ऐसे नहीं, एक आलिम ने कहा था कि अगर दुनिया के इदारे मिल के सारे कहें कि हमारे बजट का इंतजाम किया जाए, और कैसे करें, आकर दरगाह हुसैन पर अपने आप को हवाला कर दे, फकत एक इमाम हुसैन की जात पूरी दुनिया का बजट चला सकते, बैठ के चलाएंगे। मैंने तो सिर्फ एक हवाला दिया आपको, जो जाहिर जाता है वो कितना खर्च करता है, वहां खाने वाले कितने हैं, होटल वाले कितने हैं, आपने कभी गौर किया? इंसान हिसाब नहीं लगा सकता। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुनाहगार नौकर हैं, मैंने 30-32 मर्तबा करबला की ज़ियारत में ये मनाज़र देखे हैं, और इस चीज का मैंने मुशाहिदा किया है। आप जो लोग ज्योग्राफिया पढ़े हुए हैं और हुदूद अरबा जानते हैं, करबला की जमीन इतनी नहीं है करबला शहर कि उसमें 2 करोड़ आदमी आ रहे हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, आप जाके हिसाब कर ले, बंदे से बंदा भी जोड़ दे, 2 करोड़ आदमी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन ये क्या कायनात का मोइजा है, जितना भी आ रहा है सिमट रहा है। और अरबईन पर जिस साल पहला अरबईन हुआ सद्दाम के बाद, हम लोग वहां गए, 8 करोड़ आदमी था उस अरबईन पे, और ये अपनी गुनाहगार आंखों से मैंने ये मंजर देखे हैं कि खाना खिलाने वाले थे, खाने वाला नजर नहीं आ रहा, कहां से रोटी पूरी हो रही है, कहां से जायर को होटल मिल रहा है। हम निकलते थे होटल से बाहर तो वो पानी ऐसे खड़ा हो, तुम्हें इमाम हुसैन का वास्ता, पानी पी लो, नमक चख लो, खजूर खा लो। आज भी दुनिया ज्यारत इमाम हुसैन को कम समझती है, कैसी ज्यारत क्यों ना हो। सारे अंबियाओं की मेहनतों को एक जगह पर आके हुसैन ने ऐसा बचाया कि सब कुछ दे दिया, अब तमाम अंबिया भी, तमाम मासूमीन भी इमाम हुसैन का शुक्रिया अदा करने आए। सुभान अल्लाह। और आप हज पे अगर गए हो तो हज पे 25 लाख 30 लाख का मजमा होता है तकरीबन, ज्यादा ज्यादा 35 लाख तक 40 लाख तक चला गया। हम गए हज पर, देखा बहुत हशर नशर हो जाता है, आपको जगह नहीं मिलती। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, अगर आप अरबईन के दिन भी चले जाए आपको जरी की ज्यारत मिल जाएगी, इतने रश में कि आप सोच नहीं सकते आपको जरी की ज्यारत मिलेगी। और अजीब मोइजा करबला का ये है कि जुमी अरबईन या आशूर का दिन खत्म होता है, इन 2 करोड़ या 1.5 करोड़ या आप 1 करोड़ कहें, 50 लाख कहें, आदमियों को निकलने में कितना टाइम लगता है। मैंने इस चीज को गौर से देखा है कि इधर दुआए अराफा तमाम हुई, आधे घंटे के बाद मुझे बंदर नजर नहीं आ रहा, तो फिर यकीन आया
कि अब अब्दुल्ला हुसैन आपकी ज्यारत पर मलाइका आते हैं। ज्यारत इमाम हुसैन को मामूली ज्यारत है। एक शख्स जिसको सुना है आलम दीन से कि जो इस ज्यारत के रस्ते में इस दुनिया से चला गया तो उसका हिसाब किताब ही नहीं होगा। उसने जिंदगी का वतीरा बना लिया कि करबला जाता था, वापस आता था, फिर सामान उठाता था, चल पड़ता था। लोगों ने उसे कहा कि आप दो दिन यहां क्यों नहीं रुकते? कह रहे इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जान जो है वो घर में जाए, मैं चाहता हूं इस रस्ते में इस दुनिया से चला जाऊं ताकि हुसैन के जायरों में मेरा शुमार हो। मामूली बात नहीं है। मैशर के मैदान में मैंने पहले कभी अर्ज किया था कि मैशर के मैदान में 1000 सफे होंगी, शफात कुनंदगान वालों की 1000 सफे होंगी, अंबिया और मासूमीन सब शफात करेंगे। लेकिन क्योंकि रवायत उठा के देखें 999 सफों की शिफात फकत इमाम हुसैन करेंगे, फकत इमाम हुसैन करेंगे। इस मजलिस को, इस सज़ादारी को कम न समझें। ये बैठ के जुतियां सीधी करता है हुजूर, बड़ा मर्तबा है। ये पानी पिलाता है, बड़ा मर्तबा है। इसने फर्शी आजम बिछाया, बड़ा मर्तबा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज जिक्र हुसैन के लिए आप खोश है, और आपको अगर यकीन ना आए, मुल्ला अब्बास से चावूश ने जब शेखी मालूदारी ने किताब लिखी जिसका नाम है आसार हुसैन करके, आपको किताब आराम नहीं मिलती मार्केट में, पुरानी लोगों के पास पड़ी है नजब की छपी शरीफ रजी की। इस किताब में बड़ा अजीब मुल्ला अब्बास से चावूश का वाक्य है। मुझे वो वाक्य नहीं पढ़ना, सिर्फ एक जुमला इसको सुनाना चाहता हूं कि इमाम हुसैन से जब मुल्ला अब्बास से चावूश की करबला में जब ये मुल्ला अब्बास पहुंचे तो ज्यारत करके वापस आ गए। नोहा पड़ा बर, मैंने वो सारा जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ मजलिस में आने वाले की जो खिदमत करता है उसकी अजमत को बता रहा हूं। आके अपने सराय में बैठ के दस्तक हुई, इन्होंने दरवाजा खोला, देखा एक गुलाम सामने खड़ा है। कहा मुल्ला अब्बास से चावूश कौन है? इन्होंने कहा मैं। कहा आप खुश नसीब हैं, आका ने कहा है कि मुल्ला अब्बास से कहो तैयार हो जाए, मैं देखने आ रहा हूं। मुल्ला अब्बास परेशान हो गए, कहते कौन से आका? कहते है फिर मुल्ला अब्बास इतनी दूर से जिसके लिए तू चल के आया, वही आका कह रहे मैं आ रहा हूं। मुल्ला अब्बास एकदम तड़प गया, कहते कैसी बातें कर रहे हो तुम, बताओ आका कहा है? मैं जाऊंगा आका की खिदमत। आज अपना मकाम समझें, ये मजलिसों को मामूली मत समझें। लोग कहते हैं यहां आते वक्त जाया होता है, जो कहता है खुदा करे उसका जाया हो। आप यहां पर आए जहां की दुआएं देने के लिए, इनकी अजमत है इस बारगाह की। जिस बारगाह में जहरा आए, मासूमीन आए, वहां वक्त जाया होता है। मुल्ला अब्बास कहते हैं मुझे उस हबशी गुलाम ने रोका कि आपने नहीं आना, मौला ने बड़ा फरमाया। मुल्ला अब्बास कहते मेरे दोस्तों आलम में मुकाशफे में, कह रहे मेरे दोस्तों को उठाया उसी हालत में कि उठो उठो इमाम आ रहे। अब कह रहे हम सब तैयार होके बैठ गए, अब देखिए जहरा के चरण की करम ना। मैंने कई रवायतें पढ़ी हैं, कई रवायतें, आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि इमाम हुसैन के बारे में रवायत नहीं मिलेगी कि वो किसी रोजे में जाते हो। हर मासूम करबला आता है, हर मासूम आप रिवायत बना के देखें, हर शबे जुमे जनाबे ज़हरा करबला आती है, अंबिया करबला आते हैं। क्या अजमत है ज़ाहिर हुसैन की! वो आका जो करबला का मजलूम, करबला का जख्मी, वो अपने ज़ाहिर को मिलने के लिए जाता। और जुमे आप सुने खुद ही पता लग जाएगा, मैं एक ज़ाहिर की बात नहीं कर रहा कि मुल्ला अब्बास को नहीं सुने। मुल्ला अब्बास कहते इतने में दरवाजा खुला, ऐसे जैसे एक नूर साते होता है, पूरा हमारा सराया रोशन हो गया। कह रहे मैं अपनी जगह से उठा कि जाके अपने आप को इमाम हुसैन के कदमों पे गिराऊं। सुनेंगे मौला ने क्या जुमला कहा? कहा मुल्ला अब्बास तुझे मेरे मां जहरा की कसम, अपनी जगह से उठ रहा नहीं, तू बहुत थका हुआ है, तो
इतना पैदल चल के मेरी ज़ियारत पर आया, मुल्ला अब्बास अपनी जगह से हिलना नहीं। अब समझेंगे अपनी अजमत को, कह देना आसान होता है, ये ज़ियारतें क्या देती हैं, ये मजलिसें क्या देती हैं। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मौला आए, आके हमारे साथ बैठ गए और अजीब बात की, बानिया ने मजलिस के लिए उन लोगों के लिए जो इस जिक्र का इस्तेमाल करते हैं, मौला मुल्ला अब्बास कहते हैं, मौला ने आते ही जुमला कहा कि मुल्ला अब्बास तुम्हें पता है मैं आज किस लिए आया हूं? का मौला आप आका है, शहंशाह है, आपने बात सही की है, गरीब नवाजी हम पे की, हमारे पास आ गए, हमें मिलने के लिए आ गए, आपका एहसान है। कहा नहीं मुल्ला अब्बास, मैं तीन कामों के लिए आया, मैंने दो काम बयान करने क्योंकि एक काम मसाइब का है तो मैं भी फजाइल पढ़ने मैंने और वो इंशाल्लाह नौ मुहर्रम को बयान करूंगा। कहा मैं तीन कामों के लिए आया। मुल्ला अब्बास ने हाथों को जोड़ा कि मौला वो काम बताए क्या है, अब जुमला सुनिएगा। मौला फरमाते मुल्ला अब्बास जो भी मेरा जाहिर करबला आता है, जो भी मेरा जाहिर करबला आता है, मैं हुसैन उसे देखने जरूर जाता हूं। अपनी अजमत को समझ सकते हैं आप, कितनी करम नवाजी है ज़ारा के जान की। अजीब अजीब, जो मेरा जाहिर आता है मुल्ला अब्बास को उसको देखकर जरूर जाता हूं। यहां तक जुमले खत्म नहीं हुए। दूसरा काम मुल्ला अब्बास, दूसरा काम क्या है, जब तुम मांज़ंदरान में जाना ना अपने इलाके में, वहां पर शबे जुमा को मजलिस होती है, एक ज़ईफ़ आदमी है जो मजलिस में नहीं बैठता। कहा मौला क्या करता है? कहा वो बाहर बैठ जाता है दरवाजे पर और जो मेरा आज़ादान मजलिस पे आता है वो उसकी जूतियां सीधी करता है। किसी भी काम को इस आज़ादारी में कम मत समझो। जिस काम की निस्बत अब अब्दुल्ला से हो जाए वो काम अर्शी बन जाता है, वो आपकी जन्नत की जमानत बन जाता है। कौन कौन बात कर रहा है? आप नहीं, कायनात का शहंशाह ये गुफ्तगू कर रहा है। मुल्ला अब्बास जब तुम अपने वतन में वापस जाना, एक शख्स जो मजलिस में नहीं बैठता बूढ़ा, वो बैठ के जायरीन की जूतियां सीधी करता। मुल्ला अब्बास जब वतन वापस जाना, मुझ हुसैन का उसको सलाम कहना। आप समझ सकते हैं जायर का मकाम, एक आजादार का मकाम। ज़ियारत इमाम हुसैन को मामूली बात नहीं है। पास से बात निकलती गई और आज इसी एसएमएस पर मैं हैरान हो गया था तो मैंने चाहा कि कुछ अर्ज करूं। मामूली बात नहीं है, हम लोग ज़ियारत की अहमियत को नहीं समझते। आयतुल्लाह शब्बीर हिंदी ने जुमला कहा था कि अगर जायर को और आजादार को अपनी अहमियत का पता लग जाए कि मेरा मकाम क्या है, तो उन्होंने कसम खा के मिंबर पे जुमला कहा था, मैं कसम खाता हूं उस खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इन लोगों से मौजज़े जाहिर होंगे। लेकिन इंसान, अगर आप इमाम हुसैन के आजादार हैं, अगर आप इमाम हुसैन के जाहिर हैं, तो उनके तकाजे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने घर के ऊपर अलम लगाया है और उसी के साथ आपने डिश एंटीना भी लगा दी है। खुदा ना लगाए अलम, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात से, लगा ली डिश ना है, क्यों तोहीन करते हैं अलम मुर्तज़ा लबास की। नीचे इमाम बारगाह है, ऊपर आपने दूसरा काम शुरू किया, ना करें। आप अर्जदार हैं, सही मैंने मेरे अर्जदार करें, ऐसा ना हो कि मासूम कहें कि हमें तुम्हारी शिफात करते हुए वहां पर शर्मिंदगी ना हो कि हमारा मानने वाला ऐसा। एक शख्स मिस्र का नासिबी था, इसने दुआ की कि खुदाया मुझे एक बेटा दे। और मैंने ये पहले अर्ज किया वाकया फजाइल इमाम हुसैन में, जाहिर की अजमत में, अब मौका मुनासिब है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। उसने दुआ की, परवरदिगारा मुझे एक बेटा दे, जब वो बेटा बड़ा हो मैं उसको ज़ायरीन इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए वक्फ कर दूं।
कैसा कैसा करीम आका कैसे कैसे मौजज़ा दिखाते, उसको कत्ल करने के लिए वक्त कर दे। अब खुदा का तो ये दस्तूर है कि वही फैजल हई मिन अल मैत, ये तो खुदा ने तो दिखाना है, खुदा ने उसको अगले साल बेटा दे दिया। ये शख्स अपने बेटे को पाल रहा है, जब वो 16-17 साल का हुआ तो इसने बुलाया बेटा साहब, बेटा करीब आया, उसको तलवार दी कि फला फला शख्स के ऊपर चले जाओ, तुम्हें तलवार चलानी सिखाएगा, जब तुम्हें तलवार चलानी आ जाए तो तुम जाहिरीन इमाम हुसैन के रस्ते में बैठ जाना, उनको कत्ल कर। ये चला गया, इसने तलवार चलानी सीख ली। पुराने जमाने में बाबिल के नजदीक 4 रस्ते निकलते थे, एक कूफे को जाता था, एक खुद नजफ को जाता था, एक कर्बला को जाता था, एक रास्ता था जिसको तरीके सियाह कर देते, बिलाकर जायर ने वहीं से होके जाना होता था। ये उस रस्ते पे आया, इसने दरिया से मुंह धोया अपना और आके ये बैठ गया कि अब जायरीन इमाम हुसैन गुजरेंगे और मैं अपना काम शुरू करूंगा। ये इसी सोच में बैठा था, हवा चली, इसको नींद आ गई। आपने देखा कभी मुंह धो के आप बाहर बैठे और हवा चल रही हो तो इंसान को नींद आनी शुरू हो जाती, इसको नींद आ गई। अब जो इसने ख्वाब में देखा वो इसने उठ के बयान किया, कहता है मैं जब सो गया तो ख्वाब के आलम में क्या मंजर देखा, इसने फरिश्ते आए, उन्होंने इसको पकड़ लिया दोनों तरफ से, इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ, क्यों, क्योंकि ये जायरीन इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए आ रहा। उसने कहा मैंने अभी कत्ल तो नहीं किया, का इरादा तो कर दिया था, इरादा किया था, ले जाओ इसे। उसको पकड़ के जहन्नम के नजदीक लेके गए, खाज ने जहन्नम मारा, खबरदार इसको जहन्नम में मत डाल। इसको जहन्नम में मत डालना। परिश्तों ने कहा क्यों, कहा इसके करीब आने से मेरी आग ठंडी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजमत ज़ाहिर इमाम हुसैन समझाया, इसको करीब लाने से जहन्नम की आग ठंडी हो गई, इसको मत लाना। का वजह क्या है, कहा जब ये सो रहा था, जब ये शख्स सो रहा था तो ज़ाहिरीन का एक काफिला गुजरा, जब काफिला गुजर रहा था उनके घोड़ों की टापों से, ज़ाहिरीन के कदमों से नहीं, ज़ाहिरीन के घोड़ों की टापों से जो खाक उड़ी है वो इसके बदन पे पड़ गई। अजमत समझ सकते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की, ज़ाहिर इमाम हुसैन की, का वो खाक इसके बदन पे पड़ गई। अब ये जहन्नम में नहीं जा सकता, का क्या किया जाए, का वो खाक इसके बदन में चली गई, अब ये इस कशमकश में डाला जाए ना डाला जाए इसकी आंख खुल गई। और इसने एक शेर कहा जो आज भी कर्बला में इमाम हुसैन के रोज़े पे लिखा हुआ, क्या शेर कहा, इज़ा अश्शित निजात फज़ुर हुसैना, अगर तुझे निजात चाहिए जा ज़ाहिर हुसैन पर। मुकसर के बारे में, ये आज की इजाद है, जाकरीन की इजाद है, मौलवियों की इजाद है, मिंबर पे आते हैं पढ़ देते हैं, मलंग नारे लगाते हैं, खुश हो जाते हैं, बाखुदा हमारी नहीं। ज़ियारत-ए-जामा इमाम हादी ने बयान फरमाई, मैंने नहीं,
जाए ज्यारत जाके पढ़े उसमें मौला क्या फरमाते हैं, वल मुकस्सिरु फी हक्कुम ज़ाहिद, वो मुकस्सिर जो तेरे हक में तकसीर करता है वो बर्बाद। मैंने नहीं कहा, परेशान ना हो, अगर कोई कहता है ना मुकस्सिर कौन है, वो जो तकसीर आले मोहम्मद कर रहा, मासूम इंसान फरमाने, मैं तो नहीं कह रहा ना, और ज़ियारत जामा जिसकी सनद भी मुस्तनद है, एक मासूम ने इरशाद फरमाई है और मासूमीन के लिए इरशाद फरमाई है, तो वो कि वो शख्स मुकस्सिर माना जाएगा जो हमारी तकसीर करता है। देखिए जब भी जिंदगी में एक बात याद रखें, कोई शख्स कहता नहीं हुजूर मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था अगर आप फजाइल थोड़े कम पढ़ दें, मेरा मकसद ये था, देखे ना आपको इधर से थोड़ी तब्दील कर दें और इधर से ये बयान, देखे क्या बात कर रहे हैं। मुकस्सिर के मानी क्या है, तकसीर करने वाला यानी घटाने वाला, चाहे वो इतना सा घटाए चाहे इतना घटा दे, वो मुकस्सिर के जुमरे में आएगा। बच्चे हमेशा नमाज में दुआ करें, खुदाया हमें तंकी से आले मोहम्मद करने वालों में से शुमार ना करना, ऐसा ना हो कि आपका शुमार हो जाए ना कतबन ना लफ्जन ना समान, किसी सूरत में आपका इनमें शुमार ना हो। और हमारे मजहब शिया में यहां पर एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जिनका इंतकाल हो गया, और अब बात से बात निकली तो उनका कथा मुझे याद आ गया, उनके सवाब के लिए पढ़ा मुकस्सिर के बारे में, उन्होंने लिखा था आज से बहुत अरसा पहले कथा, शायद आप नाम भी जानते होंगे, असर तुराबी करबलाई, उन्होंने एक कथा लिखा था मुकस्सिर के बारे में, उन्होंने कहा बड़ा लुत्फ आएगा जब हाथापाई हम भी देखेंगे, बड़ा लुत्फ आएगा जब हाथापाई हम भी देखेंगे, वहां पे दो हरीफों में लड़ाई हम भी देखेंगे। आजाद किबरिया तो बात की है बात मैशर में, सहरी से मुकस्सिर की पिटाई हम भी देखेंगे। तो दुआ किया करें कि आपका शुमार मुकस्सिर आले मोहम्मद में ना हो। रसूल ने एक हदीस बयान की थी, अना मदीनतुल में वाली बार हुआ, मैं इनका शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इसमें लोगों ने क्या क्या तौजीह की, उसका दरवाजा बुलंद है और उसकी खिड़कियां मुझे सगंध नहीं है, कहना मदीनों तो नहीं वाली उन बाब हुआ मन अराद लेन फलियात बाब, जिसको इल्म चाहिए वो आए दरवाजे की तरफ। अब यहां पर इल्म सिर्फ इल्म ही था, ये बाबे ईमान भी है, बाबे इस्लाम भी है, ये तो आप ज्यारतों में पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैकुम या बाब अल्लाह, ऐ अल्लाह के दरवाजे, अस्सलाम अलैकुम या बाब अल ईमान, अस्सलाम अलैकुम या बाब अल इस्लाम, तो आप आपको जो चाहिए इस दरवाजे से मिलेगा। इल्म चाहिए आए आले मोहम्मद के दरवाजे पर, आपको रिस्क चाहिए मौके हैं आए आले मोहम्मद के दरवाजे पर। वो हातिम ताई था जिसकी तारीफें जब इमाम सादिक के पास पहुंची, का मौला वो कितना बड़ा सखी था, उसने सात दरवाजे बनाए हुए थे और लोगों को देता हुआ, मौला ने कहा इसको सखावत नहीं कहते, सखावत इसको कहते हैं कि फकीर एक दरवाजे पर आए मांगे और फिर दोबारा किसी दरवाजे पर ना जाए, और ये कायनात में फकत इसी दरवाजे पर हुआ। दुनिया में देखा मौला खैबर से वापस हो रहे, अब फकीरों को भी पता था ना कि रिस्क का दरवाजा भी यही है, उन्होंने ढूंढ लिया रिस्क का दरवाजा कहां है, अब ईमान का दरवाजा ढूंढे इस्लाम का ढूंढे, फकीरों को पता था, अब वो बैठ जाया करते रस्ते में जहां से मौला ने गुजरना है, तो फकीरों को पता लगा कि खैबर से वापस आ रहे हैं और काफी माल आ रहा मौला के साथ खैबर से, फकीर रस्ते में बैठ गया, जो ही मौला दाखिल हुए कहते अली दो रोटियां चाहिए। ये वाक्या ऐसा अजीब वाक्या है, कहता या अली दो रोटियां चाहिए, मौला ने कहा कम्बल, कहा जी मौला, कहा दो रोटियां दे दो,
कब्र का मौला मुश्किल है, का क्यों? का वो तोशेदान में पड़ी है। मौला ने कहा तोशेदान उठा के दे दो। का मौला वो संदूक में है तोशेदान, तो क्या कब्र देर क्यों कर रहा, संदूक दे दो। का मौला संदूक ऊंट पर है, संदूक ऊंट पर है। मौला ने कहा कब्र छोड़ो, ऊंट ही दे दो इसको। का मौला ऊंट कतार में है, आए आले मोहम्मद के दरवाजे पर। नहीं यकीन आता इज्जत,
जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त था, जनाब ज़ारा तशरीफ़ फरमा दी घर में, तो क्या कहा था? तीन बार दस्तक दी उसने और कहा कि मैं रसूल से मिलना चाहता हूं। कहा वो सो रहे हैं बाबा, मेरे सो रहे हैं, तुम वापस चले जाओ। जब वो तीन बार वापस न गया तो जनाब ज़ारा की आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूल खुदा की आंख खुली, देखा ज़ारा की आंखों से आंसू जारी। कहा बेटी फातिमा क्या बात है? कहा वो एक शख्स आया बाहर, तीन बार मुझसे सवाल किया, मैंने कहा कि मेरे बाबा सो रहे हैं। तो अब जुमला सुनिएगा, कहा बेटी फातिमा ये तेरे दर की अजमत है, ये वो है जो अंबिया से भी इजाजत नहीं लेता। जनाब मूसा का वाक्य आपने देख लिया, इतनी सी इजाजत का इतनी सी भी नहीं है, और इधर जनाब ज़ारा के दरवाजे पर खड़े होकर इज़्ज़त मांग रहा। तो कैसे हो सकता है अगर इमाम सारे सज्जाद कहें, अगर हम चाहें, कितने मौजज़े आपके सामने हैं। इल्म का दरवाजा, हिकमत का दरवाजा, फैज़ का दरवाजा, और ज़ियारत जामिया में आखिर में शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर मौला ने कलाम को अजीब अंदाज में अहले बैत रसूल आपकी क्या अजमत, कौन इमाम हादी कह रहे हैं। बस सजी ये तो कुमुल फिर करम कि आपकी घुट्टी में करम है, वह आदत तो कुमुल एहसान, अहले बैत रसूल आपकी तो आदत ही एहसान करना है। अब और हमारा मकसद ज़ियारत जामे का उन्वान रखने का ये था कि इंशाअल्लाह अशरा खत्म होने के बाद शायद हम तमाम फराइज पर रोशनी डाल ही नहीं सकते, दो सफ़े भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर एक शख्स ने भी घर जाके तिलावत कर दी इसका हक अदा हो जाएगा। कम से कम आले मोहम्मद के फजाइल जो उनकी जबान से निकले हैं, उलमा की नहीं, मासूम की जबान से अपने फजाइल वो सुन के और जब पढ़े ज़ियारत को, तो मेरे एक छोटा सा ये हर समझ रहे इसको, नसीहत समझ रहे इसको, याद रखें आप तर्जमे के साथ पढ़िएगा इसको, एक बार पूरी ज़ियारत को पढ़ लें, अब परेशान हो जाएंगे ये ज़ियारत है क्या। अजीब अजीब फिक्र है इसमें कि इंसान एक इल्म के समुद्र में घुस जाए फिर उसको रास्ता मिल रहा है। मौला ने अजीब अंदाज में, और मैं तो कहता हूं ये एक ज़ियारत जामे नहीं, आप कोई भी ज़ियारत देख लें, हर ज़ियारत इस अंदाज में, मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़े, क्या कुछ उसमें करामात है। आप दुआए नदवा पढ़े, बा खुदा दुआए नदवा को तर्जमे से पढ़िएगा, जुमे के दिन सुबह दुआए नदवा को तर्जमे के साथ पढ़िएगा। अगर किसी को विलायत अली की फजीलत देखनी है तो दुआए नदवा को पढ़ लो, सरशार है फजाइल अली से, लेकिन समझ के पढ़े, आंख खोल के पढ़े, हाफिज न बने। बाद लोग कहते हैं कि वो पढ़े जा रहे हैं, तो वो एक शख्स थे जो खत्म कुरान किया करते थे, लोग उनके पास मिठाई लिया थे कि उसने खत्म कुरान, अब उन्होंने पहला सूरत पढ़ना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, लोग सारे सर झुका रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, आगे बनना चलो जी, ऐसे नहीं, अलहम से लेके पन्नास की सीन तक पढ़ना ये कोई कमाल नहीं है। आप बिस्मिल्लाह पढ़े, जब बे का नुक्ता पढ़े आपको बे के नुक्ते की मारिफत हो, आपको इस बे के नुक्ते की मारिफत होनी चाहिए, मैं पढ़ क्या रहा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो बिल्कीस जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था कि अगर अक्ल एक जगह पर मुजस्सिम हो जाए तो वो बिल्कीस बनती है, बहुत बड़ी आकिला थी। उसने क्या जुमला कहा था मालूम है? जब जनाब सलमान का खत आया था उसने क्या कहा था? उसने कहा था उल्कीन अल इल्म मिन कबलहा, मुझे पहले से इल्म था। कौन सा इल्म था भाई, कौन सा इल्म था? उठा के जाके तफसीरें उठा के देखे, कौन सा इल्म था? क्या बिस्मिल्लाह,
बेकायम था। अल्लाह अकबर, कौन सा इल्म? बेकायम। दुनिया ने बे की पावर ही नहीं देखी। ये किसने दिखाई? बिल्कीस ने दिखाई, समझ नहीं आई। बात आ गई यूसुफ पे। आओ मैं तुम्हें पावर दिखाता हूं, इस बे में पावर है कितनी। यूसुफ को तराजू में रखा गया बाजार मिस्र में। अजीब खरीदारी हो रही है यूसुफ की। उसने यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन कितना हुस्न था, कयामत तारीखें भरी पड़ी हैं। उसने यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। उसने हैदर की तरह से शबे हिजरत नैयर, बात तो तब है कि सोते में खरीदार। रास्ता बनेगा तुम्हारा, लेकिन इस कागज को खोलना नहीं।
इस कागज को खोल के नहीं देखना। वो शागिर्द रोज आता था, मारता था, खोल के चला दस पढ़ा, मारा फिर वापस आया। चार पांच दिन गुजरे, इसके दिन में ख्याल आया, सिर्फ मुर्सा ने लिखा गया, देखो तो सही। जब तक अहमियत है तो कुरान का एक हर्फ भी आपके लिए काफी है। और अगर अहमियत नहीं है तो आंखें होते हुए आंखें बंद करके सारा कुरान पढ़ जाए, आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। इसने खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये तो मैं खुद भी लिख लेता, ये बिस्मिल्लाह तो मैं खुद भी लिख लेता। अब इसने उसी वाक्य को खुद लिखी नहीं, अभी सिर्फ ख्याल आया। इसने कागज को मारा दरिया पर, पाव रखा घर कोने में, वापस आया सैयद मुर्तजा के पास, कैसे ऐसे हो गया? तो सैयद मुर्तजा ने कहा तूने इसको समझा ही नहीं, तो इस बे को नहीं समझ सका, तूने इसकी अहमियत को घटा दिया है। सैयद मुर्तजा ने बिस्मिल्लाह लिखी, ये बे को दुनिया ना समझ सकी इस नुक्ते को। और यही वजह है कि आज उस जमाने में भी अली को उस जमाने में भी नहीं समझा और आज भी नहीं समझा। मैं बार बार कहता हूँ, कई दफा ये जुमला कहा है, अल्लाह हज़रत समझी मकाम का, मैंने कई बार यहाँ पर जुमला कह चुका हूँ कि मौलाना हज़रत समझी फरमाते हैं, या अली तेरे कुर्बान, तो इतना मजलूम है, क्योंकि फकीर भी जा रहा था, कपड़े फटे हुए, कहते पढ़ा वली जा रहा है, अल्लाह का वली जा रहा है, जिसने बार पढ़ा ली मलंग जा रहा, वली जा रहा है अल्लाह, कहते या अली अगर दुनिया मानने पे आए तो नंग धड़क को वली मान ले, और ना मानने पे आए तो तुझ जैसे अली को भी वली ना मान। ये जो मजलूमियत नहीं बोला। और मौला फरमाते हैं जमाने ने इतना गिराया, इतना गिराया, हत्ता के कह दिया अली फला, और मौला खुद फरमाते हैं ना युकासु बिना अहद, मत आपके जहन में ये ख्याल आए कि वो हम जैसे, वह मासूम ने मना फरमाया, वो हमारे जैसे बशर थे। मौला क्या फरमा रहे हैं, नहनु अस्रारुल्लाहिल मुद्रा, हम अल्लाह के सरबस्ता राज हैं, फी हयातिल बशरिया, अरे हमें अल्लाह ने बशरी लिबास में बतौर अमानत रख दिया है, बशर नहीं, बशरी लिबास में बतौर अमानत रख दिया है, मामूली बात नहीं है। उनको देख के आपने, अगर वो उसी तरह आ जाते तो मूसा जैसा तो बेहोश हो गया, तो हम में से कौन उनसे फैज लेता। ये हमारे लिए अल्लाह का हम पर एहसान है कि उनको लिबास बशरियत में उतारा, कि दुनिया इनसे फैज ले सके। और दुनिया ने क्या समझा कि तो हम जैसे हैं। देखें कुरान आसमान से आया, किस हालत में आया, कुरान किस हालत में आया, हम जैसे आप इनको समझते हैं। कुरान आसमान से ऐसे नहीं आया था, बाइंडिंग हुआ हुआ चांद कंपनी का हुआ फैक्ट्री थोड़ी लगी, बाइंडिंग में तो नहीं आया कुरान। कुरान आया हर्फ की सूरत में, और हर्फ की सूरत में वसीलों के जरिए जिब्राइल वास्ता बने, लोहे महफूज वास्ता बने, पैगंबर वास्ता बने, उनकी जुबान से ये जुमले निकले, फिर ये किताबन आहिस्ता आहिस्ता पत्तों पर, फिर छाल पर, फिर कागज पर, फिर चांद कंपनी और नूर कंपनी वालों ने पकड़ लिया इसको, तो ये कुरान की शक्ल बन गई। ये है कुरान, वहां से आया, ये कुरान सामित है। मौला ने क्या फरमाया, ला युकासो बिना, अपना हम पर कयास मत करो, हम तुम जैसे नहीं है, जो अपने लिए सोचते हो हमारे लिए मत सोचो। मैं कुरान के बारे में बता रहा हूं आपको, कुरान आया ऊपर से हर्फ की शक्ल में, किताब हुई यहाँ पर किताबन, आप बाजार से कपड़ा लेकर आए, जो जान चला दिया उसको चुनना शुरू कर दिया। इंसाफ से बताएं, कोई हदीस आज तक आपने सुनी कि इस कुरान सामित का जो लिबास है, जो जान, ये ऊपर से आया हो? होना तो ये चाहिए था ना, कुरान ऊपर से आया साथ जो जान भी ऊपर से आ जाता, तो ये है कुरान सामित। ये कुरान साबित है, जिसका लिबास आपने बाजार से लिया, जुज़ान बनाया, उसको पहना लिया,
लेकिन इधर आए पुराने नाते को देखे, हसरैन माँ के पास आए, अम्मा जान हमारे ईद के कपड़े कहाँ हैं? कहा इंदल ख्याल ख्याल के पास है, दर्जी के पास है। ये है पुराने नाते, दिखाए आप मुझे कोई हदीस के जुजदान ऊपर से आया हो। अब भी कोई इनकी फजीलत को समझ सकता? और उधर खुदा ने भी जिब्राइल को कपड़े देकर बेच के क्या कहा, खबरदार जिब्राइल अपने आप को जिब्राइल मुतारफ मत कराना। क्या कहना, अना खयातुल हुसैन, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। ये है आले मोहम्मद ला युकासो बिना अहद। और इसी कयास की बुनियाद पर जो अपने से कयास कर करके आले मोहम्मद को गिराया भी और ऐसे ऐसे जुल्म किए कि दुनिया आज कहती है कौन है जो आले मोहम्मद को नहीं मानता। सारी दुनिया अगर आले मोहम्मद को मान लेती तो रसूल की अकलौती बेटी इस दुनिया से रोती भी ना जाती। अगर सारी दुनिया आले मोहम्मद को मान लेती तो करबला में एक शिशमाए की शहादत इस तरह से ना होती। अब भी दावा करते हो कौन है जो आले मोहम्मद को नहीं मानता? अगर सारी दुनिया आले मोहम्मद को मान लेती तो हुसैन की 4 साल बच्ची करबला से लेकर शाम तक तमाचे खाती ना जाती। अज़रकुम अल्लाह। आयतुल्लाह गुलबैगानी असरे हाजर के, जिन्होंने अभी चंद साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, इन्होंने एक दिन ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि शहजादा अली असगर इनके ख्वाब में आए हैं और एक अजीब जुमला कहा, अल्लाहु अकबर, कहा है मोहम्मद रजा क्यों मुझसे तवस्सुल नहीं करता? इसलिए कि मैं छोटा हूं, इसलिए कि मैं छोटा? नहीं, ऐसा नहीं है मोहम्मद रजा, मुझसे तवस्सुल कर, मैं छोटा जरूर हूं लेकिन मेरे इख्तियार तो नहीं जानता। सारी जिंदगी इस मर्जा तकलीद ने जब कभी मरीज हुए आप जाके पूछे इनके घर में शहजादा अली असगर की मजलिस हुआ करती थी। आपको कोई परेशानी हो, आज मैं आपको बताता हूं, आपको कोई परेशानी हो जाए आप नजर माने कि मेरा ये काम हो जाए, जरूरी नहीं कि आपने सबको बुलाना है, मैं घर में बैठ के एक मजलिस दो मजलिस शहजादा अली असगर की करूंगा, आपका काम पूरा ना हो मुझे बताइए, जरूरी नहीं आप सबको बुलाएं, आप खुद बैठ जाए, खुद ही जिक्र करें, खुद ही। इतने लजपाल इतने करीम हैं, क्यों ना हो? इस छोटे अली की वजह से अगर करबला की शहादत की तारीख में शहजादा अली असर को निकाल दिया जाए, पर खुदा आपको नजर नहीं आएगा कि क्या जुल्म हो गया करबला में। कैसा कैसा जुल्म, 6 माह का बच्चा, आप सोच सकते हैं? शहजादा अली असगर जिसके लिए इमाम हुसैन ने कहा था, आपको उस दिन याद किया इमाम ने, शहजादा कासिम की लाश के टुकड़े, कितना अजीब मरहला था इमाम के लिए, लेकिन एक गेनी का आकाश मेरे शियो तुम होते, शहजादा अली अकबर के सीने में पर्ची लगी, इमाम की आंखों की बिनाई चली गई। लेकिन ये जुमला तारीख में नहीं मिलता कि इमाम ने कहा काश मेरे शियो तुम होते। ये कैसी शहादत थी शहजादा अली असगर की कि इमाम ने अजीब जुमला कहा, ए मेरे शियो काश तुम उस दिन होते और देखते किस तरीके से मैं अपने 6 माह के लिए सवाल आप कर रहा था। अजीब मजलूमियत है इमाम हुसैन की, जानते क्यों इमाम ने इतना बड़ा जुमला कह दिया? आपने कभी सोचा घर बैठ के जब किसी शरीफ को किसी रजील के सामने एक दो कतरे का सवाल करना पड़ जाए या आप उसके दिल से जाके पूछे? इमाम जब देखा कोई नहीं बचा लश्कर में तो खैमे के बाहर आके इमाम ने एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरियन सुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसना, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है तो मेरी फरियाद को सुने। इस आवाज का बुलंद होना ऐसा था
कि परिंदे हवा में, मछलियां दरिया में, दरिंदे सहरा में तड़पे और उधर असगर झूले में तड़पा। अभी इमाम का इस्तगासा मुकम्मल नहीं हुआ था कि खैमे से चीखों पुकार की आवाज बुलंद होना शुरू हुई। इमाम खैमे की तरफ गए और कहते बहन ज़ैनब अभी हम जिंदा हैं, ये रोने का सबब क्या है? काका हम नहीं रोए, असगर ने हमें रुला दिया है जब से आपने इस्तगासा बुलंद किया है। अरे इस बच्चे को झूले में करार नहीं। अब इमाम ने एक जुमला कहा, रबाब लाओ असगर को हमें दो, हम जाते हैं शायद अश्किया तरस खाकर इस बच्चे को दो घूंट पानी के पिला दें। मेरी जाने कुर्बान, इमाम असगर को लेकर चले। अब कैसा शहजादा था, इमाम ने अबा का दामन ऊपर डाल दिया। अश्किया ने समझा इमाम कुरान लेकर आ रहे हैं और हकीकत में नाते के कुरान इमाम के हाथों पर। इमाम देखे अश्किया के सामने पहुंचे, ऐ फौजी अश्किया अगर तुम्हारा कसूरवार हूं तो मैं हूं। अरे इस नन्हे ने तो किसी का कसूर नहीं किया, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, अगर हो सके तो दो घूंट पानी इसको पिला दो, बस ये मंजर देखना था। अश्किया ने जब कोई जवाब न दिया, इमाम ने एक मरतबा असगर से कहा, ऐ बेटा असगर तू हुज्जत खुदा का बेटा है, बेटा अपनी हुज्जत को तमाम कर। असगर ने अपनी गर्दन को उठाया। अब ये खुश्क होंठों की कमान पर जब जबान का खुश्क तीर चलाया, ये तीर ऐसा चला कि अश्किया ने मुंह फेर फेर कर रोना शुरू कर दिया। अब इधर से उम्र साथ ने ये मंजर देखा कि अगर इसी तरह ये हालत रह गई तो अश्किया में कयामत आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। एक मरतबा हुरमला की तरफ देख के कहता, हुरमला अरे क्या कर रहा है, एक तो कलाम हुसैन, हुसैन की कलाम को खतर कर दे। अब हुरमला ने ये अजीब तीर अंदाज था, ये तीन तीर लेकर आया था, एक तीर शहजादा अलीसर के लिए सने बांधा और ये तीर के बारे में मैंने रवायत पढ़ी है, ये तीर ऐसा था जो ऊंटों पर नहर किया जाता था इस तीर से। अज़रुकबरल्ला इमाम सादी की ये रवायत अर्ज कर रहा हूं। इसने तीर को जोड़ा, तीर चलाना चाहा तीर गिर गया, फिर तीर को जोड़ा, फिर तीर चलाना चाहा गिर गया। एक मरतबा उम्र साहब ने कहा, फरमाना अगर मुझसे कोई पूछे कि बेहतरीन तीर अंदाज कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, आज तुझे क्या हो गया है, ऐ फरमाना तेरे से तीर चलता क्यों नहीं? तो सुनेंगे फरमाना ने क्या जुमला कहा, कहा उम्र साहब जो मंजर मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा, इधर से मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ, उधर से खेलने का पर्दा उड़ता है, अरे एक दीदी की आवाज आती है, जालिम तेरा तीर बड़ा है, अरे मेरा असगर छोटा है। अज़रुकबरल्ला बस तीर चला, इस तीर ने क्या काम किया? इमाम सादिक फरमाते हैं, फज़बहु हो मेरे उज़्रे ही इला उज़्रे, अरे एक कान से लेकर दूसरे कान तक असगर को सिवा कर दिया। बस मैं मसाइल छोड़ दिए, मुख्तसर कर रहा हूं। इमाम असगर को लेकर खैमे की तरफ आए, वो अमल जो आप आशूर के दिन करेंगे कि इमाम सात मर्तबा आगे गए सात मर्तबा पीछे, मालूम है क्यों इमाम ने यह अमल किया? इमाम के दिल में जब खैमे के नजदीक जाते, इमाम सोचते हैं माँ है, छह माह के बच्चे को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इमाम फिर वापस पलटे, फिर आगे गए, फिर वापस पलटे। अब इमाम ने हौसला बढ़ाकर एक मर्तबा कहा, रबाब आओ अपने बच्चे को ले लो। से सकीना दौड़ी, क्या समझी कि बाबा असगर को पानी पिला रहा है। अबा का दामन पकड़ के कहती, बाबा आपने असगर को पानी पिला दिया, बाबा सकीना प्यासी रह गई। इमाम ने जवाब तो ना दिया, अबा का दामन हटाया, अरे बच्ची ने भाई का गला कटा हुआ देखा, चीख मारी गश कर गई। अब करबला की माँ आई, अजीब काम किया इस माँ ने, करबला की माँ ने शहजादों के हाथों शहजादे को हाथ में उठाकर कोई जुमला नहीं कहा, मैं तेरे को कुर्बान में, अजीब जुमला कहा, ऐ बेटा असगर अब मिस्रों का यूं हर, बेटा तेरी उम्र के तो जानवर भी जिबा नहीं किए जाते, अरे करबला के मैदान में कोई मुसलमान ना था, अरे जिसको तेरे पे तरस आया। बस अजीजा इमाम ने इस शहजादे के लिए एक अजीब काम किया करबला के मैदान में जो किसी के लिए नहीं किया। इमाम खैमे के पीछे आए, तलवार से इमाम ने कब्र खोदी, असगर को दफन करने लगे। मैं अब सवाल करूंगा, इमाम ने क्यों ऐसा काम किया? इमाम जानते थे बाद शहादत जब घोड़े दौड़ेंगे तो ये छह माह का बच्चा कहां से बर्दाश्त करेगा। इमाम ने कहा मैं असगर को दफना दूं ताकि ये घोड़ों किसे पामाल होने से बच जाए। इमाम ने आहिस्ता आहिस्ते असगर को लिटाया। अब इमाम ने मट्टी डालना शुरू की, मट्टी यहां तक पहुंची और उलमाए मगादिल बयान करते हैं जब इमाम मट्टी डालते जा रहे हैं, अब सर को छुपाने का मामला आया तो जहां इमाम थे वहां एक बाप भी थे। अब इमाम ने असगर की तरफ नहीं देखा, मुंह फेर लिया और मट्टी डालते जा रहे हैं, बेटा असगर अरे बाबा को माफ कर देना बेटा।
अजरकुम अल्लाह बस आखिरी जुमला आपकी सहमत तमाम अल्लामा इस्माइल की उम्मत दी अल्लाह बगामू ने इरशाद फरमाया था कि इमाम ने तो दफन कर दिया, क्या इमाम की हसरत पूरी हुई? लोगों ने देखा जब सरों को गिरा गया तो उस मलूम ने कहा जिसको मैंने शहीद किया था उस नन्हे बच्चे का सर कहाँ है? तो एक मलूम ने कहा मैंने देखा इमाम खैमे के पीछे कुछ कर रहे थे, ऐसा लगता है इमाम ने उसको दफन कर दिया है। 70 नेजा सवारों को करबला के मैदान में भेज दिया। अब मुझे बताएं करबला का ये अजीब शहीद है जो एक बार नहीं दो बार शहीद हुआ। अब मुझे इंसाफ से बताएं रबाब के दिल की क्या हालत होगी। अरे दरे खैमा पर खड़ी है, उधर ज़ैनब खड़ी है, उधर फिजा खड़ी है, नेजा जमीन में जाता है वापस निकलता है। बीवियों ने अपने दिलों को थाम लिया, इतने में एक नेजा गया वापस आया तो अस्कर का बदन नेजे से लिपटा हुआ। जनाब ज़ैनब की आवाज निकली, ऐ बहन रुबाब, अरे तेरे बच्चे की खैर नहीं। अजरकुम अल्लाह, बस ये नेजे पर बदन लेकर शिब्र बनून के पास आए। अब अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने एक अजीब जुमला कहा, कहा सर को बदन से जुदा किया गया, अब सर को नोके नेजा पर बुलंद किया गया। अब इस शिब्र बलून ने क्या काम किया, लाश इस बच्चे की लाश को उठाया, नन्हे शहजादे की लाश को उठाया, लाकर इमाम हुसैन की लाश के साथ रख दिया। मेरी जाने कुर्बान, अब जब पावानी सुबह अस्मा का टाइम आया लोगों ने देखा अरे इधर से घोड़े दौड़ना शुरू हुए, उधर से इमाम की लाश में दुलदुल आ गया। अब जो ही घोड़े की टार अरे शहजादे के करीब पहुंची लोगों ने देखा अरे इमाम की लाश ने करवट बदली, असगर को अपने सीने पर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि व सलेम।